सरकार अब नहीं सहेंगे महंगाई की मार, तो आपने ही कहा था, हमने नहीं कहा था, 100 दिन में हम कम करेंगे। 100 क्या, 7 साल हो गए, पूछिए उनसे। और एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, कि इस महंगाई में डीजल की भी सब्सिडी किसानों को दी जाए और इस संसद के माध्यम से, किसान संसद के माध्यम से सब्सिडी का डीजल किसानों को मिले, एक कार्ड बना के दे दिया जाए जमीन के अनुसार, ताकि महंगाई का जो डीजल है वो किसानों को न झेलना पड़े और सब्सिडी का डीजल मिले। और आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि किसान है जो दर दर के ठोकर खाता है, यह किसान है जो देश की सरकार बनाता है, यह किसान है जो गरीबी से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन देश की सरकार से कभी मांगने नहीं जाता। पर आप लोग तैयार होइए, कुछ तो मांगिए। किसानों का MSP अधिकार है, अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए, शहर से लाइए, देश का किसान आपका स्वागत करेगा। जिस तरह आनंद फारन में आप बिल ले आए बिना मांगे, MSP के लिए तो सर फोड़ रहा किसान, MSP के लिए जान दे रहा है, MSP के लिए आत्माहुति दे रहा है, आप क्यों नहीं ला रहे? लेकिन आप लाएंगे नहीं। हम मांग करते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी कि MSP की संवैधानिक गारंटी हो, और जिस तरह आप बिल लाए हैं उसी प्रकार MSP के लिए कानून बनाया जाए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैं उदाहरण के साथ पेश करना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग उसी क्षेत्र के, JP सीमेंट क्षेत्र है, वहां पर JP सीमेंट ने जमीनें ले रखी, और ये बैठे हैं इंद्रजीत सिंह संखू, JP गोली कांड के मुख्य